आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए यह भी कहा कि पिछले 18 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, महंगाई घटी है और विदेशी निवेश बढ़ा है। 3 दिन के मलेशिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान बिजनेस समिट को संबोधित करने के दौरान तमाम देशों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी देश मिलकर आसियान को बड़ा पावर हाउस बना सकते हैं। घरेलू स्तर पर अपनी सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई और राजकोषीय घाटा भारत के लिए चिंता का विषय बन गई थी, लेकिन पिछले 1.5 साल में दोनों ही मोर्चों पर सुधार हुआ है, महंगाई कम हुई है और तेजी से विकास हो रहा है। तमाम आसियान देशों से भारत में निवेश की अपील करते हुए मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में काम किया जाएगा और इसके लिए टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की नीति लाई जाएगी। अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी व्यापार और अर्थव्यवस्था के साथ साथ आतंकवाद, मानव तस्करी, समुद्री सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे मुद्दों पर भी विश्व के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान मोदी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों के साथ साथ शक्तिशाली क्षेत्रीय समूहों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कई मोर्चों पर काम करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारत के आर्थिक विकास की गाथा सुनाकर वह दुनिया के देशों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाकर वह दुनिया के देशों को एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और अब उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मलेशिया में चल रहे 13वें आसियान इंडिया समिट में तिरंगे को उल्टा लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात कर रहे थे। किसी भी इंटरनेशनल समिट में जब दो देशों के टॉप लीडर आपस में मिलते हैं, ऑफिशियल मीटिंग वाली जगह पर भी दोनों देशों के लीडर के पीछे उनके झंडे लगाए जाते हैं। आसियान समिट में भी ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले जापान के पीएम शिंजो आबे वहां पहुंच गए थे। इसी समय आबे का ध्यान भारत के उल्टे झंडे पर गया। मलेशिया में भारतीय तिरंगे के अपमान के मामले में कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कहा, इंटरनेशनल फोरम में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मोदी झंडा नहीं कैमरा देखने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, यह अपमानित करने वाला है। अब हैरानी की बात यह रही कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे काफी देर तक भारत के लगे इस उल्टे झंडे को नोटिस करते रहे, जबकि पीएम मोदी का ध्यान इसकी ओर गलती से भी नहीं गया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आतंकवादी हमले की आशंका है। मलेशिया पुलिस की एक आंतरिक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि इस सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी पर हमला हो सकता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पुलिस प्रमुख खालिद अबू बकर ने माना है कि रिपोर्ट लीक हुई है। इसमें बताया गया है कि आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हमले की फिराक में 10 महिला फिदायीन मलेशिया में है। हालांकि मलेशिया पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आसियान सम्मेलन के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजाम है। 4,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी आसियान सम्मेलन की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यात्रा के पहले चरण में कुआलालंपुर के लिए रवाना होने के पहले एक ट्वीट में कहा कि मलेशिया और सिंगापुर के लिए रवाना हो रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी 2 महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भाग लेंगे, द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और भारत में ज्यादा निवेश के लिए भी वे जोर देंगे। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा वहां के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक सहित कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन विश्व के नेताओं में शामिल हैं जिनकी सुरक्षा को आतंकवादियों से सबसे ज्यादा खतरा है। इसी को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। अगले वर्ष 26 जनवरी 2016 को भारत अपना 67वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मुख्य अतिथि होंगे। फ्रेंच मीडिया के हवाले से खबर है कि फ्रांसवा ओलांद ने अगले साल जनवरी में भारत आने के लिए न्योता स्वीकार कर लिया है। खबरों के मुताबिक फ्रांसवा ओलांद के भारत दौरे पर आतंकवाद का एजेंडा सबसे अहम होगा। दरअसल पेरिस पर आईएसआईएस के हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ सक्रियता बढ़ी है। भारत भी आतंकवाद से लंबे समय से जूझ रहा है, लिहाजा फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाने और मजबूत एक्शन प्लान तैयार करने की कोशिश करेगा। गौरतलब है कि भारत अपने गणतंत्र दिवस पर हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। पिछले 26 जनवरी 2015 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मेहमान बने थे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का भारत आना और इस दौरान मुख्य अतिथि होना
दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम देगा। वहीं देखने वाली बात यह भी होगी कि इस दौरान दोनों देशों के बीच में किन किन महत्वपूर्ण मसलों पर समझौते होंगे। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना असली रूप दिखा दिया है। जो लोग रैली निकालकर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस नेता उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर देश में आतंक फैलाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस हैज क्रिएटेड अ महागठबंधन विथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट फॉर द पॉलिटिकल गेम्स, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट दीज ऑर्गेनाइजेशन आर अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट पंजाब। दे वॉन्ट टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री। छोटे बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1098 जारी किया गया है। रविंद्र मंच पर हुए बाल संवाद कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने इसे जारी किया। यूनिसेफ और बाल अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर चतुर्वेदी और देवनानी ने बाल संवाद पुस्तक का विमोचन भी किया। चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकार ही नहीं बल्कि बड़ों के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने इस मौके पर स्कूली पाठ्यक्रम में एक विषय बाल अधिकारिता का जोड़ने और माह के अंतिम शनिवार को सरकारी स्कूलों में बाल संवाद के आयोजन का ऐलान भी किया। रविंद्र मंच पर बाल संवाद कार्यक्रम के तहत दिखाई गई लघु फिल्म विवादों में रही। इस फिल्म के विजुअल्स पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 की भागदौड़ के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को नजर आई रिलैक्स मूड में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल महल स्थित फूलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं जल महल के सामने दस्तकार बाजार में शॉपिंग भी की और फास्ट फूड का लुत्फ भी उठाया। जल महल की पाल पर आयोजित जयपुर नगर निगम द्वारा फ्लावर शो का शनिवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अवलोकन किया। इस मौके पर नगरीय आवासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, सांसद रामचरण बोहरा, महापौर निर्मल नाहटा सहित नगर निगम की सभी समितियों के अध्यक्ष, पार्षद और नगर निगम अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में फ्लावर शो देखने आए आम नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने फ्लावर शो में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने लगभग एक घंटे तक फ्लावर शो में घूमकर पेड़ पौधे व फूलों के बारे में उद्यान विभाग के सुबोध लोढ़ा से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां शहर के हर कोने में लगाई जाए जिससे आम नागरिकों को जानकारी मिल सके। उन्होंने नगर निगम के प्रयास की भी सराहना की। गौरतलब है कि फ्लावर शो में 150 प्रजातियों के पौधे प्रदर्शित किए गए हैं। फ्लावर प्रदर्शनी देखने के बाद मुख्यमंत्री जल महल के सामने स्थित दस्तकार बाजार का अवलोकन करने गई। वहां मुख्यमंत्री काफी रिलैक्स मूड में नजर आए। मुख्यमंत्री ने वहां पर शॉपिंग भी की और फास्ट फूड कोर्ट में जाकर फास्ट फूड का भी लुत्फ उठाया। रिसर्जन राजस्थान के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से प्रदेश में दौरों का सिलसिला शुरू करने वाली है। आपका जिला आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा करेगी। वहीं रिसर्जन राजस्थान में किए गए निवेश के बारे में भी मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक ले रही है और कोशिश कर रही है कि जो निवेश किया गया है वो हकीकत के धरातल पर उतर सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ शनिवार को श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और एमसीएच वार्ड का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मंत्री राठौड़ ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में पाई गई खामियों पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक चिकित्सा मंत्री शनिवार को सूरतगढ़ होते हुए श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां वे पहले एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां नवनिर्मित एमसीएच वार्ड का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मंत्री ने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा मंत्री ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की और व्यवस्था सुधारने की नसीहत दी। इसके साथ ही मंत्री राठौड़ ने इस अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया और बताया कि अस्पताल में मरीजों की भर्ती के लिए बेड की संख्या भी जल्द ही बढ़ा दी जाएगी और इस अस्पताल में सोनोग्राफी को लेकर हो रही परेशानी से भी जल्द निजात दिलवाने का भरोसा दिलाया है। अस्पताल में निरीक्षण के बाद चिकित्सा मंत्री जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के चिकित्सा अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस निरीक्षण के दौरान श्रीगंगानगर के कुछ लोग मंत्री से मिले और जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग रखी। जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को एक महीने का वक्त दिया है।
अब ऐसे में देखना यह होगा कि मंत्री के निर्देशों की पालना जिला अस्पताल प्रशासन कब तक करता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाह नवाज हुसैन अपनी निजी यात्रा पर पहुंचे उदयपुर। उदयपुर में अपने एक दोस्त के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी चुनाव हारी है, हिम्मत नहीं हारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 10 साल 8 महीने और 14 दिन बाद एक बार फिर से लालू का राज आ गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जरूर बने हैं, लेकिन राज लालू का ही है। ऐसे में नीतीश से अब ज्यादा उम्मीदें करना बेमानी है। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से कहा कि आईएसआईएस जैसे संगठन भारतीय मुस्लिम युवाओं को नहीं बहका सके, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिम देशभक्त हैं, वो आईएसआईएस जैसे क्रूर संगठन के बहकावे में कभी नहीं आएंगे। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी उनके सहयोगियों से उल्टे सीधे बयान दिलवाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन वे अभी भी गर्त में डूबी हुई कांग्रेस को निकालने के लायक नहीं बने हैं। उच्च शिक्षा मंत्री कालीचंद सर्राफ एक दिवसीय दौरे के तहत आज बूंदी पहुंचे, जहां उन्होंने बूंदी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रणनीति पर जोर दिया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बूंदी कन्या महाविद्यालय के बदहाल हालत को जल्द सुधारने की बात कही। इस कार्यक्रम में कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला भी मौजूद रहे। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के चल रहे पंडित दीनदयाल महा प्रशिक्षण अभियान को आज उच्च शिक्षा मंत्री कालीचंद सर्राफ संबोधित करने बूंदी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल के लक्ष्य कदम और पार्टी की छोटी से छोटी नीतियों से कार्यकर्ताओं को रूबरू करवाया। और इस दौरान मंत्री कालीचंद सर्राफ ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए जमकर उन पर निशाना साधा। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बूंदी में जल्द जो कन्या महाविद्यालय जेल में संचालित हो रहा है उसके हालात जल्द सुधरेंगे और कोटा में निजी कोचिंग संस्थाओं में आए दिन कई छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर भी मंत्री सर्राफ ने गंभीर माना है और ऐसी घटनाओं को दुखद बताया है। मंत्री कालीचंद सर्राफ ने कोटा के निजी संस्थानों में लगातार हो रही आत्महत्याओं को गंभीर माना है और दुखद बताया है और कहा है कि जल्द नए सत्रों से नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। प्रदेश भाजपा का अगला मुखिया कौन होगा? क्या इस पद पर वापस अशोक परनामी की ताजपोशी होगी? इसका निर्णय इस महीने हो जाएगा, क्योंकि इस महीने प्रदेश भाजपा के मुखिया पद का चुनाव होगा। भाजपा संगठन चुनाव का अंतिम चरण यानी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव इसी महीने होने हैं। प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और इंतजार है तो बस केंद्र नेतृत्व की ओर से हरी झंडी मिलने का। राष्ट्रीय नेतृत्व इस चुनाव के लिए केंद्र से एक पर्यवेक्षक भेजेगा जिसकी निगरानी में ये चुनाव होंगे। प्रदेश में भाजपा के 10% ही विधायक और सांसद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट डाल सकेंगे, जबकि हर विधानसभा से एक एक प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में वोट डालने का अधिकारी होगा। चुनाव अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार मतदाताओं की लिस्टिंग की जा चुकी है। प्रदेश भाजपा के चुनावों में अब तक मंडल और जिलों के चुनाव हुए, लेकिन जिन जिलों और मंडलों में चुनाव नहीं हुए उनके चुनाव या फिर मनोनय का काम प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की फरारी के बाद से और भी कई गैंगस्टर अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। मामला अलवर में सामने आया, जहां पर राजू ठेठ को आज अलवर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसने अपने मामले में तुरंत फैसला सुनाने की अपील की ही, जिस पर मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राजस्थान के कुख्यात बदमाश आनंद पाल की फरारी के बाद कुख्यात बदमाश राजू ठेठ डर गया है। उसने आज अलवर कोर्ट में फैसले की अपील की, जिसके बाद जुर्म स्वीकारने के बाद कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। राजू ठेठ को आज अलवर कोर्ट में पेश करने के लिए हथियारबंद कमांडो की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया। उसे जेल में जेलर के साथ मारपीट के मामले में अलवर के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। यहाँ मुलजिम कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया और उसने कोर्ट से सुरक्षा की दृष्टि से आज ही फैसला देने की अपील की। जुर्म स्वीकारने के बाद कोर्ट ने उसे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 माह की सजा काटनी होगी। आनंद पाल की फरारी के बाद राजू ठेठ फिलहाल जयपुर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है, क्योंकि राजू ठेठ और आनंद पाल में दुश्मनी है और दोनों गुटों
की ओर से बीकानेर जेल में 24 जुलाई को गैंगवार की घटना को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें कैदी की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एसओजी को सूचना मिली थी कि दाजू ठेठ को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दी गई है। इसके बाद दाजू ठेठ को अलवर, जयपुर, कोटा, अजमेर सहित कई जेलों में सुरक्षा की दृष्टि से बदल बदल कर रखा जा रहा है। आनंदपाल का विरोधी दाजू ठेठ आज अलवर कोर्ट में पेश हुआ, जिस मामले को लेकर के तुरंत फैसला सुनाया गया। वहीं कड़ी सुरक्षा में इसको आज पेश किया गया। आनंदपाल की फरारी के बाद से आनंदपाल का विरोधी होने के चलते इसकी आज सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गैंगवार जेल में हुई गैंगवार के दौरान से इनकी काफी कहा सुनी रही थी, जिसके बाद से सुरक्षा को लेकर के कहीं भी चूक नहीं बरती जा रही है। ब्यावर में उदयपुर रोड स्थित एक मिल में शनिवार को मशीन की मरम्मत के समय अचानक रोलर में फंस जाने से एक श्रमिक की दम घुटने से मौत हो गई। सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर प्रारंभिक पूछताछ कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अमृतकर चिकित्सालय पहुँचाया। घटना के मुताबिक बिहार राज्य में जिला अरवल स्थित लोधीपुर गांव निवासी 35 वर्षीय अखिलेश राम पुत्र रामदयाल उदयपुर बाईपास मुंद्री मेंद्रातान रोड स्थित निजी मिनरल में कार्य करता था। शुक्रवार रात्रि में ड्यूटी के दौरान वह कार्य कर रहा था। शनिवार सुबह अगली शिफ्ट में श्रमिकों के आने पर अखिलेश मशीन के रोलर में फंसा हुआ दिखाई दिया। श्रमिकों ने तत्काल ठेकेदार नगीना को सूचित किया। ठेकेदार ने श्रमिक की मौत की जानकारी मिल मालिक और पुलिस को भी दी। सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को रोलर से निकाला और अमृतकर अस्पताल के चिड़घर में रखवाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। मौके पर पहुंचे सिटी थाना अधिकारी सतेंद्र नेगी ने श्रमिक अखिलेश की मौत की जांच करते हुए सभी श्रमिकों से पूछताछ की। नेगी ने बताया कि श्रमिक की मौत जब हुई तब तक रोलर चालू था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। धौलपुर जिले के निहलगंज थाना इलाके में बजरी से भरे ट्रैक्टर ने अधेड़ को मारी टक्कर। हादसे में अधेड़ की मौके पर हुई मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब ओडेला रोड पर रहने वाला नारायण सिंह सुबह के पैर दूध लेने के लिए जा रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आते हुए लाल बजरी से भरे ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल अधेड़ के सबसे छोटे पुत्र की कल शादी होनी थी, लिहाजा शादी की खुशियां मातम में बदल गयी। बहरहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। तो वही पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में आर्ट समिट की शुरुआत एक बार फिर विवादों के साथ हुई। इस बार विवाद गाय के प्रदर्शन को लेकर हुआ। दरअसल एक आर्टिस्ट द्वारा प्लास्टिक की मरी हुई गाय को बैलून के सारे हवा में टांगने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राजधानी में कला का गढ़ माने जाने वाले जवाहर कला केंद्र की गवर्निंग बॉडी में विवादास्पद लोगों को स्थान देने का मामला भी ठंडा ही नहीं हुआ था कि वही शनिवार को थर्ड आर्ट समिट शुरू होते ही गाय के अपमान ने एक बार फिर जेकेके को विवाद में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल 21 से 25 नवंबर तक चलने वाले थर्ड आर्ट समिट की औपचारिक शुरुआत शनिवार को होनी थी। जेकेके परिसर स्थित शिल्पगार में आयोजित इस समिट में एक नीले कलर के बैलून के सारे एक मरी हुई गाय का पुतला हवा में लटकाया गया था। पुतला हवा में लटकाने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, आर्टिस्ट को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आर्टिस्ट ने पुलिस की एक नहीं सुनी। विवाद बढ़ता देख बजाज नगर थाना अधिकारी महेंद्र कुमार भी मौके पहुंचे और तीन आर्टिस्ट को हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी ओर आर्टिस्टों की माने तो यह एक कला है जिसके माध्यम से गाय को बचाने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया आज गली मोहल्लों में गाय प्लास्टिक खा के मर रही है, इस संदेश के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं आर्ट समिट में पीपल फॉर एनिमल्स के कुछ लोग भी पहुंचे और गाय हमारी माता का नारा लगाते हुए इसे गाय का अपमान बताया और उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करी। उन्होंने कहा अगर प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती प्रतिबंधित क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक को बिना अनुमति घूमते हुए बीएसएफ ने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल इंग्लैंड के नागरिक एटोनी बाइक से रास्ता भटककर सीमावर्ती प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने उसे हिरासत में लेकर गिराब थाना पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद गिराब थाना पुलिस विदेशी युवक को हिरासत में लेकर बाड़मेर पहुंची, जहां युवक से कई सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। हालांकि विदेशी युवक ने सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में बताया कि उसे सीमावर्ती क्षेत्र की जानकारी नहीं होने के कारण वह रास्ता भटककर यहां तक पहुंच गया। गौरतलब है कि सीमावर्ती क्षेत्र में प्रशासन के बिना अनुमति के कोई भी विदेशी नागरिक नहीं घूम सकता। इससे पहले विदेशी नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्र में जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। पकड़े गए युवक से एक लैपटॉप और कैमरा बरामद हुआ है, जिसमें जांच के बाद कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी युवक को छोड़ दिया है। झुंझुनू जिले के सिंगाना पुलिस ने 12 नवंबर को हुई लूट के तीन आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। लूटेरों ने भदेन गांव के पास 2 लाख रुपए, पिकअप, मोबाइल व एटीएम कार्ड की लूट की थी।
झुंझुनू जिले के सिंगाना पुलिस ने 12 नवंबर को मध्य रात्रि को भदेन गांव के पास हुई लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बुहाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार के निर्देश पर 3 टीमों का गठन किया था। पुलिस ने हरियाणा के नारडोल गांव के पास 3 आरोपियों को धर दबोचा, वहीं एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। इस लूट की वारदात का मास्टरमाइंड हरियाणा के दंचोली गांव का गैंग लीडर राहुल था। आरोपियों ने पूछताछ में हरियाणा के रेवाड़ी में भी लूट की बात को स्वीकार किया है। वहीं इनकी गिरफ्तारी के बाद लूट की और कई वारदातें भी खुलने की संभावनाएं जताई जा रही है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर लूट का माल बरामद करने का प्रयास कर रही है। बहरहाल बुहाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस गैंग के सदस्यों ने कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है, जिनकी परतें आने वाले दिनों में आरोपियों से पूछताछ में खुलेगी। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में 4 नवंबर को हुई फिल्मी अंदाज की घटना को पुलिस को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे मौके से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में 4 नवंबर को विनोद एग्रो इंडस्ट्री के मुनीम के साथ फिल्मी अंदाज में हुई 6,29,000 रुपए की लूट को पुर्दोद को आज कोटगेट पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए उनके कब्जे से 3 देसी कट्टे और 10 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद कर वारदात में काम ली गई बोलेरो बरामद की है। इन अपराधी के खिलाफ विभिन्न थानों में शराब, हथियार, तस्करी, मारपीट के कई मामले भी दर्ज है। यह अपराधी शनिवार सुबह रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, मगर पहले ही पुलिस की टीम ने इन्हें हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी ममता गुप्ता की अगुवाई में कोटगेट और गंगासहर पुलिस की 2 टीमें वारदात के बाद तहकीकात में जुटी थी। पुलिस टीमों में वारदात स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और इलाके में पहले ही हो चुकी लूट की वारदातों में लिप्त अपराधियों से पूछताछ कर इन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। थाने लाकर इनसे कड़ी पूछताछ की गई थी, इन्होंने वारदात को अंजाम देना कबूल लिया है। हालांकि इनसे और कई वारदातें खुलने की संभावना है। थाना प्रभारी संजय पोत्रा के नेतृत्व वाली जिस टीम ने अपराधियों को दबोचने में सफलता हासिल की है, उसमें सब इंस्पेक्टर परमेश्वर सुधा, सहायक उप निरीक्षक अजारी राम, कांस्टेबल सुंडाराम, रामेश्वर लाल, नंदराम, बलबीर सिंह और भी शामिल थे। बीकानेर में बढ़ रहे अपराधों को लेकर आज पुलिस ने तो एक बड़ी कामयाबी हासिल करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना होगा कि और भी वारदातों को अंजाम देने के पुलिस किस प्रकार कामयाबी हासिल मिल पाती है। भरतपुर पुलिस ने आज एक शातिर मजनू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो स्कूल और कॉलेज में आती जाती छात्राओं से छेड़छाड़ कर परेशान करता था। थाना मथुरा गेट पुलिस को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कॉलेज और स्कूल की आती जाती स्कूली छात्राओं को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने आज सुभाष पार्क के पास से एक मजनू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया मजनू का पिता होमगार्ड में कार्यरत है। पुलिस ने इस कार्रवाई में सिविल ड्रेस में अंजाम दिया। हम आपको बता दें कि पकड़े गए मजनू से थाना मथुरा गेट पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसके साथ और कौन कौन लोग थे जो इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। जानदार डायलॉग से भरे ट्रेलर में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की दमदार एक्टिंग देखने को मिल रही है। जबरदस्त डायलॉग से भरा फिल्म बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस फिल्म का डायरेक्शन संजय लीला भंसाली ने किया है। हर एक फ्रेम शानदार तरीके से बनाया गया है। 3 मिनट 45 सेकंड के ट्रेलर में भंसाली स्टाइल का भव्य सेट, स्टार्स की परफॉर्मेंस, उनका डिफरेंट लुक, दिल को छू जाने वाले डायलॉग्स, एक्शन और रोमांस की झलक साफ नजर आ रही है। सिर्फ किरदार ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड स्कोर और कुछ युद्ध के सीन भी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। बाजीराव मस्तानी की कहानी मराठा योद्धा बाजीराव पेशवा, उनकी रानी काशीबाई और प्रेमिका मस्तानी के इर्द गिर्द घूमती है। बता दें कि फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है और इसी दिन शाहरुख और काजोल स्टार फिल्म दिलवाले भी रिलीज हो रही है। तो देखना ये है कि दर्शकों को ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद आती है।